मौसम के तेवर और भी ज्यादा कड़े कर दिए हैं, बदल दिए हैं। जहां ठंड से दिल्ली के लोग थरथर कांप रहे हैं, वहीं चेन्नई में तेज बारिश से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। आप समझिए तेज बारिश के बाद ठंड कितनी बढ़ गई है। दिसंबर के महीने में झमाझम बारिश से लोग हैरान भी हैं और परेशानी तो जाहिर तौर पर बढ़ ही गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद ठंड अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, पारा अब और ज्यादा लुढ़क जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, हालांकि आज कोहरे से राहत जरूर है, आज कोहरा नहीं है, लेकिन हाँ ठंड उसी तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। पारा उसी तरीके से अब कम है, लुढ़कते पारे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और रही सही कसर शीतलहर ने पूरी कर दी है। ठंडी हवाएं लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही हैं, घरों में कैद होने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया है कि 31 दिसंबर की रात पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कपकपाने वाली सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर घाटी में दिख रहा है। लगातार बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सफेद हो गई है। घरों के ऊपर बर्फ की चादर है, बाहर पहाड़ पर बर्फ है। जमती जिंदगी में रोजमर्रा की चीजें कम पड़ने लगी हैं। डल झील के ऊपर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे यहां घूमने आए सैलानियों को थोड़ी मायूसी जरूर हो रही है। रजौरी समेत जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बर्फबारी से जहां इलाके के लोग बेहाल हो गए हैं, वहीं बर्फबारी ने सैलानियों की मस्ती को दोगुना कर दिया है। भारी बर्फबारी से रजौरी और श्रीनगर को जोड़ने वाले रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कुदरत की सफेद मार से हिमाचल भी बेहाल है। लाहौल स्पीति में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। यहां तापमान -4 डिग्री से नीचे चला गया है। और अभी आने वाले कुछ दिन में भी इस सर्दी से निजात नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग ये बता रहा है। एक और ब्रेक, जल्द लौटेंगे।